अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बुखारे की चटनी। आलू बुखारे की चटनी बहुत आसानी से तैयार हो जाती है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। सो लेट्स मूव टू द रेसिपी। आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें हमने आधा किलो आलू बुखारा लिया है। इसे हमने पूरी रात इसे पानी में डाल के रख दिया था। 1/4 कप हमने बादाम लिए हैं, इनको बॉईल करके हमने इसका छिलका उतार लिया। 1/4 कप हमने चार मगज़ लिए हैं। 1/2 टीस्पून हमने नमक लिए। 1/2 टीस्पून हमने अजवाइन लिए। 1/2 टीस्पून हमने लाल मिर्च लिए। 1/2 टीस्पून हमने काली मिर्च ली है और 1/4 टीस्पून आमचूर का पाउडर लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो कर लें, अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर नहीं करना चाहते तो ना करें। और 1.5 कप हमने चीनी ली है। अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे, उसमें जो आलू बुखारे का पानी है उसको लैदा कर लेंगे और आलू बुखारे को लैदा कर लेंगे। ये जो आलू बुखारे का पानी है इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, यही आलू बुखारे का पानी हम यूज़ करेंगे। देखके लेंगे, उसमें ये आलू बुखारे का जो पानी था उसको डाल देंगे। और ये जो चीनी है इसको डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें 1/2 कप पानी हम और डालेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसे तब तक पकाना है जब तक कि जो चीनी है वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो जाती। अब ये देख सकते हैं ये चीनी डिसॉल्व हो गई है इसमें पूरी तरह। अब इसमें हम इस स्टेज में स्पाइसेस डाल लेंगे। ये 1/2 टीस्पून हम लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, 1/2 टीस्पून ये काली मिर्च डालेंगे और 1/4 टीस्पून आमचूर का पाउडर डालेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जब तक ये चटनी थिक नहीं हो जाती। चटनी तैयार हो गई है, ये थिक हो गई है काफ़ी। अब इसमें हम अपने ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, ये बादाम डाल देंगे और ये चार मगज़ डाल देंगे, उनको मिक्स कर लेंगे। ये चटनी हमारी अब बिल्कुल रेडी है। इसे अब हम ठंडा कर लेंगे और फिर उसके बाद इसे डिश आउट कर लेंगे। सो दिस आलू बुखारे की चटनी इज रेडी टू सर्व। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।